तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर सड़क निर्माण में हुए कार्य की गुणवत्ता कितनी है इसकी तस्दीक इस तस्वीर से ये तस्वीर कर रही है। 44 से बड़ेथी चुंगी तक ऑल वेदर सड़क निर्माण की पोल खुल रही है। पहली ही बरसात में कई जगह ऑल वेदर रोड टूट रही है। कुल मिलाकर ऑल वेदर रोड ऑल वेदर परेशानी बन गई है। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जहाँ पर ये सड़क टूटती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। टीवी 100 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां पर कैमरे के सामने कैसे ये सुरक्षा दीवार और ये जो सड़क है ये भरभराकर गिर रही है। देख सकते हैं आप कि मिट्टी खिसकने का और ये जो इसमें पत्थर छोटे छोटे लगे हुए हैं इसका सिलसिला शुरू होता है और एकदम से इसका एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर जाता है। ऐसे में इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे साथ उत्तरकाशी से संवाददाता हेमकांत नौटिया लगातार जुड़े हुए हैं। हेमकांत जी, ये ताश के पत्तों की तरह पूरा पुस्ता जो है ये बिखर गया, किस तरीके से इस पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, कैसी है ऑल वेदर रोड है? हेमकांत जी, क्या आपको मेरी आवाज? जी, ऑल वेदर सड़क का जो निर्माण कार्य है और इस कार्य को जो है बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है ये तो ये दीवार इस प्रकार से गिर रही है। इसी प्रकार की कई दीवारें जो है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है गिर चुकी है। कल की मैं बात करूं तो एक दीवार गिरने से जो है दो आवासीय मकानों को जो है के ऊपर मलमा गिर गया था, वहां पर लोग जो है बाल बाल बचे जो है। रतुड़े छेरा के पास जो है ये दीवार जो है आज सुबह गिर गई और मैं आपको बता दूं कई सड़क मार्ग पर जो है कई दरारें पड़ी हुई है। तो 44 से लेकर उत्तरकाशी तक का जो क्षेत्र पड़ता है जो सड़क निर्माण जो ऑल वेदर रोड का जो निर्माण हुआ है उसमें जो है लोग स्थानीय लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं इसकी गुणवत्ता पे। और लोगों का कहना है घटिया गुणवत्ता के चलते जो है इस प्रकार के जो है निर्माण कार्य जो है भरभराकर जो है दीवारें जो है सुरक्षा दीवार गिर रही है। और यहाँ तक की जो अपर जिलाधिकारी है उनका कहना ये है कि हमें जो है लगातार सूचना मिल रही है कि ऑल वेदर सड़क निर्माण में जो है दीवारें गिर रही है, क्रैक्स पड़े हुए हैं। तो हमने बीआरओ को जो है निर्माण एजेंसी है उनके जो केस भुगतान है उस पर रोक लगा दी है। जी हेमकांत, ये तस्वीर जो है सिर्फ पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब तक इस पर कोई जांच या फिर निर्माणदायी संस्था से कोई जवाब क्यों नहीं मांगा गया और विपक्ष भी क्या कर रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली बरसात है इस समय है कि नहीं, पहली बरसात में जो है तमाम जितना 44 से और बड़ीथी चुंगी तक जो सड़क निर्माण का कार्य हुआ है वो जो है घटिया गुणवत्ता उस पर है। लगातार लोग जो है इस बारे में जो है जिला प्रशासन को भी लिख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पहली बरसात को भी जो है ये निर्माण कार्य जो है जो ऑल वेदर के तहत जो कार्य हुए हैं ये नहीं झेल पा रहा है। और प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य हुआ है, सुरक्षा दीवारें जो है लगाई गई है ताकि सड़क सुरक्षित रहे, लेकिन ये इस प्रकार की सुरक्षा को लेके जो है लोगों के अंदर सवाल खड़े हो गए हैं कि इस प्रकार घटिया गुणवत्ता और घटिया निर्माण यहाँ पर हुआ है जिसके चलते जो है दीवारें जगह जगह पर जो है जो बीआरओ की लगाई गई दीवारें हैं वो जगह जगह पर जो है भरभराकर गिर रही है। तो इसी के तहत ये विपक्ष भी इसका संज्ञान दे रहा है कि आखिर जो है ये कैसी ऑल वेदर रोड है जिसमें जो है ये पहली बरसात को भी जो है ये सड़क जो ये सुरक्षा दीवारें नहीं झेल पा रही है और भरभराकर जो है गिर रही है। जी बहुत शुक्रिया हेमकांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।